नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, हिंदू एकजुटता की बात। तो क्या योगी आदित्यनाथ सीएम लायक नहीं? बटेंगे तो कटेंगे, इससे बौखला गई है समाजवादी पार्टी। क्या जाति सियासत की हवा निकल गई? और सवाल ये भी कि उपचुनाव में हिंदू एकजुट हुआ तो योगी अखिलेश से बाजी मार लेंगे क्या? योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और हरियाणा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट भी कर दिया, जिसके बाद यूपी में उपचुनाव से पहले इसको लेकर सपा सांसद की तरफ से बयान आया है। समाजवादी पार्टी से सांसद है जियाउर रहमान बर्ग। इन्होंने योगी पर वार करते हुए कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं, जिस तरीके की उनकी भाषा है। ऐसे में सवाल यह कि क्या योगी के इस बयान को लेकर उन पर वार करने के पीछे एसपी का वो डर छिपा है जो उसे उपचुनाव में हार के रूप में दिख रहा है? क्या सपा को डर सता रहा है कि अगर योगी के इस बयान से यूपी के उपचुनाव में एक बार फिर हिंदुओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट कर दिया तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हिंदू जातियों में नहीं बटेगा? इसी पर हमारी आज की डिबेट। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता। जो हिंदू एकता की बात करे, क्या उसे सीएम रहने का अधिकार नहीं? अगर यूपी के सीएम हिंदुओं की एकता मजबूत करने की बात करते हैं तो इससे क्या मुस्लिम समाज को खतरा महसूस होता है? योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से क्या मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित महसूस करता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने ऐसी ही बातें कही है। बर्ग को सीएम योगी की हिंदू एकता मजबूत करने वाली बातें चुभने लगी, सुनिए। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे क्या मतलब बनता है? आप किस, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महफूज करेंगे? जब वो एक तरफा इस टाइप की कार्यवाही जो लगातार होती चली आ रही है, अगर इस टाइप की भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है तो यकीनन हमारे खिलाफ ये कड़ा वो है। ये कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक सरकार रोटियां सेकने के लिए, सरकार बनाने के लिए इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करना या ऐसे कड़े कार्रवाई करना या कदम उठाना, ये सरोसर्व गलत है। बर्क दो टूक कह रहे हैं, हिंदुओं के लिए बटेंगे तो कटेंगे वाली बात उनके खिलाफ है, इसलिए मुस्लिम समाज डरा महसूस कर रहा। तो सवाल उठता है, मंचों से मुस्लिम एकता, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील ठीक, लेकिन अगर कोई हिंदू एकता की बात करे तो गलत कैसे? सवाल ये भी कि क्या बटेंगे तो कटेंगे नारे ने जातिवादी सियासत पर ब्रेक लगा दिया, जिससे विपक्ष बौखलाया है और ऐसी बातें कही जा रही। सुनिए कैसे बीते दिनों यूपी के सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से एक नई लकीर खींची और इसका असर चुनावों में भी देखने को मिला। योगी ने चुनावी मंचों से दो टूक कह दिया, कोई ऐसी गलती मत करना कि फिर बटने की नौबत आए। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे, याद रखना बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी के हिंदू एकजुटता वाले नारे ने असर भी किया। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 13 रैलियां की, जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते, यानी करीब 70% विनिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों ही जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। अब सवाल यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का है, लिहाजा बीजेपी के सामने चुनौती यूपी के 20 करोड़ हिंदुओं को एक करने की है। और ये एक फॉर्मूला हो सकता है अखिलेश यादव के पीडीए को रोककर हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकने का। और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी न सिर्फ सपा से ज्यादा सीटों पर लीड बना लेगी बल्कि यूपी में 2024 के हार के गम को भी दूर कर लेगी। योगी की संगठन में स्वीकार्यता और बढ़ जाएगी और इसके बाद तो बीजेपी हिंदू वोटरों के इर्द गिर्द ही अपने भविष्य की रणनीति बनाएगी। वैसे भी हिंदू तो योगी की मनमाफिक पिच है, यूपी में उन्होंने इसके लिए बैक टू बैक कई फैसले लिए, जैसे धर्मांतरण कानून में संशोधन,
यूपी में सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट, खाने पीने के सामान पर थूकने वालों के खिलाफ एक्शन, एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से लाना, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर मुखरता और अयोध्या मथुरा काशी के जरिए सनातन की रक्षा का संकल्प। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को एकजुट करने वाला एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो बीजेपी यूपी में इसका नेक्स्ट चैप्टर खोलने की तैयारी में है। योगी ने यूपी के उपचुनाव से पहले इस पर होमवर्क कर इसे एक्टिव भी कर दिया है। तो क्या बर्क का बयान हिंदू वोटों के जातियों में नहीं बढ़ पाने की खीज से है? योगी ने तो सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने की बात की है, लेकिन बर्क इसे मुस्लिमों से जोड़कर क्या हिंदुओं का ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि हिंदू बढ़ जाए और उपचुनाव में सपा को फायदा मिल जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूँ। चलमणि त्रिपाठी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभ रास्ता से थोड़ी देर में जुड़ेंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आईपी सिंह जी है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपी सिंह जी, मैं इस तस्वीर पर आऊंगा जो एक तस्वीर आज लखनऊ से भी सामने आई, जहां पर एक रथ लाल रंग का जिस पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया, उपचुनाव पर भी आऊंगा। लेकिन पहला सवाल यह है कि हिंदू एकजुटता से इतनी दिक्कत क्यों है समाजवादी पार्टी को? सवाल यह है कि भूखमरी में भारत कहां खड़ा है? भूखमरी में हम 127 देशों में हमसे बेहतर पोजीशन श्रीलंका और नेपाल की है। आप भूखमरी पर चर्चा नहीं होगी, बीजेपी भूखमरी पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई पर, कमर तोड़ महंगाई पर चर्चा नहीं करेगी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जो महंगाई डायन है उसका नाम बीजेपी नहीं लेगी। और ऑप्टिमस जैसे रोबोट दुनिया में आ गए, हम उस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में गांव में बिजली नहीं आती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दौरे पर जाते हैं बहराइच में, जब भेड़िए आतंक फैलाते हैं तो गांव में बिजली नहीं होती है, सड़क नहीं होता है, टंकियां नहीं होती, पानी नहीं होता, रोजगार नहीं होता, और हम चर्चा किस पर कर रहे हैं बैठ के? क्या भारत का भविष्य यही बनाने का वादा करके भारत के प्रधानमंत्री आए थे? आज 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 लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था, और आज उनके उनके अनुयायी, उनके शिष्य और बिहार के मुख्यमंत्री से इंडिया गठबंधन ने आह्वान किया, माननीय अखिलेश जी ने आह्वान किया कि आप समाजवादी रहे हैं, समर्थन वापस लीजिए। नहीं नहीं, आईपी सिंह, आईपी सिंह, ये आप लोगों का दर्द मई जून से चला आ रहा है, तो मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। नीतीश कुमार के हाथ से आप लोग बैठे हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। सर, मैं सवाल फिर आपको दोहराता हूँ, और ये सवाल जो आपने तमाम बातें कही कि भूखमरी, बेरोजगारी पर, सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास हूँ आईपी सिंह, सवाल सुन लीजिए। आपने जितनी बातें दोहराई वो सारे मुद्दे ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि चर्चा होनी चाहिए उस पर, लेकिन ये बात अपने आपने अपनी पार्टी के सांसद को नहीं समझाया। आईपी सिंह सर, सुनिए सवाल, आईपी सिंह जी सुनिए ना सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास हूँ, आप ही के पास हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए। आपने जितनी बातें कही सब ठीक, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बात आपने अपनी पार्टी के सांसद को क्यों नहीं समझाया? जियाउर रहमान बर्क को किस तरीके का बयान ना दे तो मैं नहीं डिबेट कर रहा होता, कुछ और डिबेट कर रहा होता, कुछ और टॉपिक देख रहा होता। क्यों उन्होंने समझ, क्यों उन्होंने कह दिया कि योगी सीएम लायक नहीं है? तो भाई मैं तो कहता योगी ने हिंदुओं की एकता की बात, ये जो मीडिया है वो बीजेपी मीडिया, ये दूरदर्शन है, फिर वही बात, ये दूरदर्शन है, सरकार और बीजेपी की उपलब्धियां बताएंगे। तो जियाउर रहमान बर्क बीजेपी से सांसद है? नहीं, सवाल ये है कि ऐसी बातों में क्या वो हमारे कर्ता धर्ता क्या है? क्या देश की मुख्य जो राजनीति धारा है, क्या उसमें उनका महत्व है? क्या किसी की बात को लेकर हम चर्चा करेंगे? बात ही को लेकर चर्चा करिए ना, बयानों को लेकर चर्चा होती है। मैं जितनी मन से थोड़ी नहीं चर्चा होने लगती है, करूंगा। घर घर बेरोजगार बैठा है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे? नहीं नहीं, उस पर भी चर्चा होगी। कौन कह रहा है निकलने नहीं देंगे? बेरोजगारी और नौकरी एक मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए नहीं, मैं आता हूँ सर, अभी लखनऊ की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, और उस पर भी सवाल है, उस लाल रथ पर भी सवाल है, उस पर भी आऊंगा अभी। लेकिन शलभमणि, ये कह रहे हैं कि
जियाउर रहमान बर्क ने कह दिया तो कह दिया, छोड़ दो उसको, किनारे कर दो, कोई मतलब नहीं है। नहीं, इनके लिए तो इस प्रकार के जो बयान होते हैं वो इनके लिए बहुत खाद का काम करते हैं। आप देखिए, एक तरफ वो तबका है जो चाहे हमास का आतंकवाद हो, चाहे वो डेनमार्क में कोई कार्टून का विषय हो, वो सड़क पर निकलता है, नारे लगाता है, और नारे भी क्या लगाता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। तो इस रिश्ते से तो समाजवादी पार्टी के हमारे आईपी भाई हो या कोई भी हो, ये लाख किसी तबके को सपोर्ट कर लें, उनकी मदद कर लें, लेकिन ला इलाही इल्लल्लाह के रिश्ते में तो ये भी नहीं आते। और ये नारा सड़कों पर लगता है, ये नारा समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लगा, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। डेनमार्क में कार्टून छपा था, कार्टून विदेश में छपा, उसको लेके समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां पर अराजकता हुई, सड़कों पर निकल के लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी, और नारे वही थे कि सर तन से जुदा और ला इलाही इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो इस प्रकार के नारे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप संविधान को मानेंगे, शरिया को नहीं, शरिया को लागू करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत स्पष्ट है। कन्हैयालाल जी की घटना देख लीजिए, कमलेश तिवारी जी की घटना देख लीजिए, ये घटना इस बात का नजीर है कि जब जब अच्छे लोग बटे हैं तब तब इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं, चरमपंथी तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व हैं, वो हावी हुए हैं। उन्होंने सड़क पर निकल के अराजकता की है, लोगों के घरों में भी अराजकता की है। जरा मुझे बताइए ना कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी किस प्रकार की घटना हुई, कन्हैयालाल जी की घटना, और कन्हैयालाल जी के जो हत्यारे थे उनके साथ किस प्रकार की सहूलियत प्रदान की कांग्रेस की सरकार ने। तो निश्चित तौर पर यह बात तो सबको समझनी होगी कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो आज भी शरिया में विश्वास करते हैं, जो आज भी चरमपंथ में विश्वास करते हैं, जो आज भी कट्टरपंथ में विश्वास करते हैं, उनसे आखिर कैसे लड़ेंगे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। जब तक अच्छे लोग, जब तक संविधान को मानने वाले लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक शरिया को मानने वाले। मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, इसलिए आप कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्क की बात को छोड़ दिया जाए, ना उसको सीरियस लिया जाए, ना चर्चा की जाए। आईपी सिंह जी बोलिए। अच्छा, सवाल क्या क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, सवाल यह है कि मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, इसलिए आप कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्की की बात को छोड़ दिया जाए, सीरियस ना लिया जाए, बावजूद इसके कि सांसद हैं। सब सुन लीजिए, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? अगर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं तो कानून व्यवस्था बेहतर हो, चुस्त दुरुस्त हो। आईपीसी सीआरपीसी जो बदल दिया इन्होंने, कुल मिला के वही है, उसका पालन क्यों नहीं करते? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उस पर किसने रोक रखा है? लेकिन जो निर्दोष है उनका घर मत गिराइए, जो निर्दोष है उनका उनका इनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्या मत कर दीजिए। आपत्ति यहां है, सड़कों पर अगर आंदोलन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अनवरत आंदोलन किए हैं, आंदोलनकारियों को जेल में नहीं ठूसा जाता, आंदोलनकारियों के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। जयप्रकाश नारायण जैसे राष्ट्र पुरुष के जयंती पर जो भारत रत्न हो रत्न रहे हो, उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाने के लिए नहीं रोका जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, यही भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहे थे, वो तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई। और जो 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे वो भी बेईमानी करके 25-30 सीटों जीत पाए। ठीक। और सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में बेईमानी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी वही 8-10 सीटें जीतती। सर प्लीज प्लीज, यूपी में बीजेपी को पीछे करने के बाद अब ये तो मत कहिए कि बेईमानी नहीं होती तो हम 80 के 80 जीत गए होते, तो ये तो मत कहिए सर प्लीज। उत्तर प्रदेश की जनता आप पर हंसने लगेगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता आप पर हंसने लगेगी। और आप जिस लखनऊ का जिक्र कर रहे हैं मैं आ रहा हूँ, शलमड़ी एक रिप्लाई करिए फिर आगे बढ़ता हूँ, छोटा रिप्लाई। नहीं देखिए, अभी तो इन मुद्दों को लेकर गए थे, हरियाणा भी गए थे, जम्मू कश्मीर भी गए थे, और मुझे लगता है जमानत तो छोड़िए, मुझे लगता है कि कुल मिला के भी 1500-1600 वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिले। जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर गए थे कि वहां पे इनको लगा था कि ये जो तुष्टिकरण करते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, कुछ शायद वोट इनको हासिल हो जाए, पर जम्मू कश्मीर में भी नहीं मिले। और हरियाणा में तो क्या हालत हुई है वो भी आपने देख लिया। संभल का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा हो,
तो एक चरमपंथी व्यक्ति है जो एक पुलिस वाले ने जब उसकी गाड़ी रोक ली और पिछड़े समाज से आता है पुलिस वाला, तो उससे वो कहता है, वो चरमपंथी कहता है कि आज तुम्हारी हुकूमत है, कर हमारी हुकूमत आएगी तो हम तुम्हारे पेट में चाकू घोंप देंगे। आज तुम्हारी हुकूमत है मतलब संविधान का राज है, कल शरिया आएगा तो हम तुम्हारे पेट में चाकू घोंप देंगे। ये कौन लोग बढ़ावा देते थे उत्तर प्रदेश में? अगर आप देखिएगा तो अभी आईपी सिंह साहब बोल रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं दो तीन घटनाओं को याद दिलाऊंगा कि डेनमार्क में जब कार्टून छपा और उत्तर प्रदेश की सड़कें खून से लाल की गई तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में जब सचिन जाट और गौरव जाट के नाम के दो भाइयों ने अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया, उनकी आबरू बचाने की कोशिश की और पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, जाटों की हत्याएं हुई, दलित भाइयों की हत्याएं हुई, पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं हुई, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में आप कोई त्योहार नहीं मना पाते थे, आप कोई पर्व नहीं मना पाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय पे रोजा इफ्तार की दावतें जरूर होती थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में आतंकवादी केवल धर्म के आधार पर छोड़े जाते थे ये कहते हुए कि ये भटके हुए नौजवान है, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसलिए ये मत कहिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जानती है कि तुष्टीकरण के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, और हद तो यह थी कि जफर याब जिलानी साहब जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जफर याब जिलानी साहब को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लाल बत्ती दी थी, उनको गाड़ी दी थी, उनको तनख्वाह दी थी, किस बात के लिए? कि आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़िए भगवान राम मंदिर के खिलाफ। तो यह आपका सेक्युलरिज्म है, यह देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है। और इसीलिए हरियाणा में आपकी क्या गति हुई, जम्मू कश्मीर में क्या गति हुई, और लिखकर रख लीजिए उपचुनाव में भी आपकी वही गति होने जा रही है 2027 के चुनाव में वही गति। क्या ये पीडीए की काट है? एक तस्वीर मैंने बोली है, वो तस्वीर आ जाए तो मैं दिखाऊंगा कि जो एक रथ है उस रथ पर पीडीए का फुल फॉर्म लिखा गया है। और बहुत लोग जो समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हैं वो कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम। जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए स्क्रीन पर, ये देखिए ये लाल रथ है और इसी लाल रथ पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया अखिलेश यादव ने, जिसका जिक्र आईपी सिंह कर रहे थे, और इसके दरवाजे पर लिखा हुआ है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ये छिटक ना जाए, और इसमें से अल्पसंख्यक मुस्लिम लिखा हुआ है, ये भड़क ना जाए या इसको अपने साथ कैसे रखा जाए तुष्टीकरण के लिए? शुभ रास्ता, उसी लिए जियाउर रहमान बरक का ये बयान कि भाई बटेंगे कटेंगे, हिंदू एकजुट हो गया तब तो मामला गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ये यात्रा अपने आप में एक संकेत है कि किस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाहती है। एक जमाना था जब जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने समाजवाद की नींव भारतीय समाज में, भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखी। अगर आज कोई ये कह दे कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी को मानने वाले लोग हैं, तो अपने आप में हास्यास्पद बात होगी। इनका जो लिविंग स्टाइल है उससे लेकर के इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया और किस तरीके से किया, वो समाजवाद का उदाहरण था या वो तुष्टीकरण का उदाहरण था, इसके लिए बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज इनके सोशल मीडिया पे समर्थक जिस तरीके से बात करते हैं वह भी अपने आप में एक अनन्य उदाहरण है यह बताने के लिए कि विचारधारा कहीं बिल्कुल फटेहाल खड़ी है और ये पीडीए टाइप की यात्राएं निकल रही हैं। यंग जनरेशन को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो पीडीए का एक बहुत दूसरा अर्थ भी निकलता है अंग्रेजी में, तो इन्होंने ये द्विअर्थी जो लिखवाया है संवाद अपने जो भी उनका होर्डिंग और तमाम तरीके कोलैटरल्स बनेंगे वो क्यों लिखवाया है, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। लेकिन आप सोचिए कि जिस समय जब बार बार ये कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी की याद दिलाई जाती है, तो आप पूछिए ना कि क्या कभी जयप्रकाश नारायण ने या लोहिया जी ने या मुलायम सिंह यादव जी ने ही, चलिए लालू प्रसाद यादव जी की मैं बात कर लेती हूँ, क्या इन्होंने कभी द्विअर्थी संवाद किए थे? तो ये किस तरीके की, ये जो यंग लोग हैं ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है इस प्रश्न के साथ शुभ रास्ता आगे बढ़ूंगा। चंद्रमोहन जी, आप लोग भी साथ में, बावजूद इसके कि सपा ने तो आपको घुटनों के बल ला दिया, एक तरफा छह सीट कह दिया, क्या चार में भी दो ही देना है, इस तरीके की खबरें, खैर आप लोगों के बीच का मामला है, उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या पीडीए की काट है, बटेंगे कटेंगे, जिसका हरियाणा में ट्रेलर दिखा इसलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसलिए हिंदुओं की एकजुटता से दिक्कत है, इसीलिए फिर कुछ भी बोल देना? राकेश जी, आपने टॉपिक तो रखा है कि बटेंगे कटेंगे, लेकिन त्रिपाठी जी से ये नहीं पूछा कि बटेंगे किससे और कटेंगे किससे, ये नहीं उन्होंने बताया ना आपने पूछा, लेकिन मैं बता देता हूं कि देश के 145 करोड़ जनमानस जब तक बटेंगे नहीं और बीजेपी से कटेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी ही तो काट रही है,
58 रुपए के डॉलर का रेट उठते उठते आज 84 रुपए तक पहुंच गया और देश के प्रधानमंत्री की साख गिर गई, देश बटा हुआ है, बीजेपी काटी जा रही है और देश में कुपोषण का जो दर था वो 58% से होते होते देश की 13.7% आबादी कुपोषण में चली गई। बीजेपी बांटी जा रही है और देश की जनता को काटी जा रही है और कुछ लोग सिर्फ आंखें खोल के देख रहे हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन सत्ता के अधीन बोल रहे हैं। और अब विषय ये भी आता है कि बेरोजगारी के ऊपर कटेंगे बटेंगे बात करने के लिए आपके पास मुद्दा नहीं था। आप त्रिपाठी जी बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, त्रिपाठी जी जवाब दे देंगे। चंद्रमा जी आपकी बात का सीधे वो सारे सवाल मैंने ट्रांसफर कर दिए। मेरा एक छोटा सा सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा, फिर चलमणी के पास जाऊंगा। हरियाणा में किसने किसको काट दिया? हरियाणा में आपकी इन्हीं बातों का आधार अगर मैं मान लेता हूं तो हरियाणा की जनता ने किसने काटकर नहीं काट ली? बड़ा गलत छेड़ दिया राकेश भाई आपने। नहीं नहीं, मैं बहुत सही छेड़ता हूं। 49.9% वोट भाजपा को मिला है। मैं दे रहा हूं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। और 39.3% वोट कांग्रेस को मिला। 0.6% में खेला भी हो गया, ईवीएम भी सेट नहीं, हो गई। ये सुनिए चंद्रमोहन जी, ये वोटिंग परसेंटेज है, नंबर की बात करिए। विधायक भी जीत गए, जिसको नंबर आ गया वो सरकार बना रहा है। चंडीगढ़ वाली, जम्मू कश्मीर में जिसको नंबर आ गया वो सरकार बना रहा है। दिल्ली वाली, जो हरियाणा में आप लोगों के पक्ष में अटकलें थी, नंबर नहीं आया। जनता को आप झूठ भरमाते हो, फिर तो वोटिंग परसेंटेज हर जगह देखना पड़ जाएगा। फिर जातियों का वोटिंग परसेंटेज देखना पड़ जाएगा, किससे किसको वोट किया। तो मैं छेड़ता बहुत सही हूँ, खैर शलमड़ी जवाब दीजिए इनका। 0.3% के अंदर है, फिर भी कट डाला। देखिए हरियाणा की बात नहीं करेंगे, हमारे कांग्रेस के साथी हरियाणा की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में हरियाणा को लेकर इनके जो बड़े पदाधिकारी हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनको लेके कांग्रेस से जुड़े जो पत्रकार हैं वही बहुत कुछ बता रहे हैं। वो आपने भी देखा होगा कि जो कांग्रेसी विचारधारा के पत्रकार हैं उन्होंने बता दिया कि भाई कांग्रेस हरियाणा में के जो वेणुगोपाल जी, इनके कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे या किन चीजों में लिप्त थे और कांग्रेस पार्टी किन चीजों में लिप्त थी, ये सबने देखा है। और दूसरी बात, हरियाणा की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी इनको बताया है, इनको जवाब दिया है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आज जो लोग आदरणीय जेपी जी का नाम ले रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी का नाम ले रहे हैं, मुझे याद आता है कि 4 दिसंबर 1976 की घटना है। जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी जी के कहने पर नजरबंद किया गया था, वो बुरी तरह बीमार थे, गंभीर रूप से बीमार थे। 4 दिसंबर 1976 की यह घटना आप इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो जाके डॉक्टर्स ने कहा कि इनको तत्काल छोड़ा जाए, इनको अस्पताल पहुंचाया जाए, वरना जयप्रकाश नारायण जी की मौत हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। और तब गांधी परिवार के जो बहुत करीबी चाटुकार थे उन्होंने कहा कि मरते हैं तो मर जाने दो, उनको नजरबंदी से नहीं हटाया जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। आगे चल के जयप्रकाश नारायण जी उसी बीमारी के गंभीर होने के चलते उनका निधन हुआ। ये जिन्होंने सत्ता की मलाई काटी है, आज इतनी बर्बरता करने वाली, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के साथ बर्बरता की, उसी कांग्रेस के पिछलग्गू बने ये लोग। चंद्रमोहन जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, शर्मणी सुन लीजिए, फिर मैं आईपीसी के पास जाता हूं। नारायण जी कभी इनको माफ नहीं करेंगे। त्रिपाठी जी सुन लीजिएगा, मैं बाबा साहब अंबेडकर की बात बता रहा हूं कि जो इतिहास नहीं बना सकते वो इतिहास को भूल जाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या है कि जो इतिहास की बातों को लाकर अपनी बात साबित ना कर सके वो नालायक कहलाते हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं आपको मिला के, आप इतिहास की बातों को लाकर प्रेजेंट की बातों को क्यों छुपाते हैं? अरे देश आपसे पूछ रहा है, 10 साल आपके पास है, आप छाती ठोक के बोलिए कि हमने देश को ये दिया है। आप बोलिए देश के अंदर हमने महंगाई खत्म करी है, आप बोलिए देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करी है, लेकिन आपकी नालायकी क्या करती है कि पिछले से पीछे सालों तक चली जाती है, जितना आप पुरानी सरकारों की बातों को लेकर याद करने वाले इतिहास बनाते हैं, जो इतिहास से वर्तमान की बात करते हैं सेंट्रल हॉल जो पार्लियामेंट का है, नालायकों की गिनती नहीं रहती है राजनीति में। बाबा साहब की घेराबंदी करके चुनाव तक करा दिया आप लोगों ने, बजे ये तो आपका चरित्र है। आज बाबा साहब आपको याद आ रहा है क्योंकि आप हाशिए पर चले गए। तीसरी बार सत्ता से बाहर हो गए, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बाबा साहब याद आते हैं, संविधान याद आता है, लेकिन और जब सत्ता में आते हैं तो शरिया याद आता है, देश की जनता कट्टरपंथी याद आते हैं, चरमपंथी याद आते हैं। अगर बजाती तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि समय रहते बाबा साहब को याद करना चाहिए था। बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को चुनाव हराया, बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी, गांधी परिवार मूर्तियों से पूरा देश बन गया, बाबा साहब की कितनी मूर्ति लगाई चल रही होती तो देश बाबा साहब और सरदार पटेल की मूर्तियां क्यों नहीं लगने दी?
आपसी संवाद हुआ चंद्रमोहन जी, फिर वही बात है कि हरियाणा में किसने कनी काट ली, फिर कहेंगे मैं छेड़ सही दिया हूँ। खैर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आईपी सिंह जी एक बार जरा वो तस्वीर फिर से रखिए, लाल रथ वाली तस्वीर एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर रखिए। रुकिए रुकिए चंद्रमोहन जी, जीत राकेश जी राजनीति नहीं डिसाइड करती, ठीक है सर, अगर एक हार जीत डिसाइड करती है तो 240 नरेंद्र मोदी जी को मिली है। नहीं नहीं सर, तो फिर आपको कितनी मिली? आप 3 साल में 240 नहीं ले आ पाए तो सर मत जाइए ना, जो डिबेट पहले 100 बार हो चुकी है उस डिबेट को लाकर टाइम मत खराब किया करिए सर। 100 बार हो चुकी है कि पिछले 3 साल में, और आखिरी बार 80 के दशक में भी आपकी इतनी सीटें नहीं आई थी, तो मत उधर जाया करिए सर। फिर मैं छेड़ने लगूंगा तो आप कहेंगे कि आप छेड़ देते हैं, तो मत छेड़ा करिए कि ऐसे आंकड़े रख दूं कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। चलिए ठीक है, आईपी सिंह जी रुक जाइए सर, रुक जाइए आईपी सिंह जी, ये लाल रथ से यात्रा, अरे रुकिए सर, सवाल पूछने दीजिए ना उनसे। पीडीए यात्रा है, पिछड़ा दलित, और बहुत ज्यादा क्लियरली आप लोगों ने यह मेंशन कर दिया है कि माइनॉरिटीज मतलब सिर्फ मुस्लिम, और सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी किसी माइनॉरिटी से मतलब नहीं है, सिख से मतलब नहीं है, किसी दूसरे धर्म के लोगों से मतलब नहीं है, माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि जो हरियाणा का ट्रेलर है उसका डर दिख गया कि यह पिछड़ा दलित हिंदू के नाम पर एकजुट हो गया और मुस्लिम कहीं इससे नाराज हो गया, एकजुट रखना है तो भाई ये खिचड़ी बनानी पड़ेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी जाति पंथ मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जो दलित वंचित शोषित पिछड़े अगड़े इन सबको मिलाकर राजनीति करती, ये हमारा नारा है। और सवाल ये है कि अभी पंडित कमलेश तिवारी की हत्या की बात हो रही थी, उस पंडित कमलेश तिवारी को समाजवादी पार्टी सरकार में 22 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, चूंकि वो ब्राह्मण थे, वो खटक रहे थे इस सरकार को, बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि उनकी सुरक्षा क्यों हटा ली गई। अगर उनकी सुरक्षा नहीं हटाई गई होती तो शायद पंडित कमलेश तिवारी आज जीवित होते, लेकिन पिछली हमारी सरकार ने उन्हें और उनके परिवार को भरपूर सुरक्षा प्रदान किया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, वो जरा भी इस बात को लेकर सीरियस नहीं थे। नहीं, आईपी सिंह जी, सुनिए ना सर, मेरे सवाल की लाइन पर आप अभी भी नहीं आ रहे हैं। सवाल मैं कह रहा हूं, आपके पीडीए में पी और डी अगर एक साथ हो गए, एकजुट हो गए बाकी हिंदुओं के साथ, तो आपके पीडीए के एक को खतरा कैसे है, उस माइनॉरिटीज मुस्लिम को खतरा कैसे है, मैं ये समझना चाहता हूं। बस आप समझ लीजिए, जो आप समझना चाह रहे हैं वो जनता ने अभी भारतीय जनता पार्टी को 4 महीने पहले समझाया है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जनता ने तमाचे मारे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी को होश नहीं आया है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बताइए कि राष्ट्र पुरुष को हम माल्यार्पण नहीं कर सकते? ये है, ये जो आपातकाल था उससे बड़ा आपातकाल आज घोर आपातकाल है। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन जेपी बाबू ने समर्पित कर दिया। नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। पी और डी से एक को खतरा कैसे है, इस पर आईपी सिंह नहीं बोलना चाहते। दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्हें चिढ़ाते हुए जयप्रकाश नारायण जो केंद्र बना है, ठीक है, ठीक है, आईपी सिंह जी रुक जाइए, वादियों का सर रुक जाइए अभी शुभ रास्ता से सवाल किया है। शुभ रास्ता, पी और डी से एक को खतरा कैसे है? हमारी सरकार ने और आपने लगभग 8 वर्षों से उसमें ताला डाल रखा है। आप प्लीज आईपी सिंह जी, समय थोड़ा सा कम होता है सर, प्लीज आप उस अभी सिर्फ को खोल, आईपी सिंह जी प्लीज सर, प्लीज शुभ रास्ता, इनसे पूछिए कि पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक की जब ये बात करते हैं तो मुसलमानों में किस लिहाज से और उनके उनके कौम के किस उसको किस रूल से वहां भी पीड़ित और वहां भी दलितों की संख्या है, पूछिए इनसे आप। जब मुसलमानों का रिजर्वेशन, जब हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो गए
तो फिर उनको क्यों जरूरत पड़ती है अपने आप को पिछड़ा और दलित बताने की? इनसे ये तो ये सवाल समाजवादियों कट के लिए है। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कल्चरल कंजर्वेटिव कहती है कि हम मानते हैं पुरातन पंथ पे हमारा भरोसा है, जिस प्रकार से सामाजिक ढांचा है या जिस प्रकार नहीं, से नहीं, ये सवाल है शुभ्रास्ता, आपको रोकना पड़ रहा है, वक्त इतना ही आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये सवाल है जिसकी चर्चा होगी आने वाले समय में। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, आगे 27 में चुनाव है, जिसके इर्द गिर्द रणनीति बनाई जा रही है, तो ये सवाल तो होगा कि पीओडीसी को खतरा कैसे है, अगर हिंदू एकजुट हो गया तो मुसलमान को खतरा कैसे है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।